हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। आज तारीख है 9 अगस्त, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब फॉर एमपीज, ओके, एक्सक्लूसिवली फॉर एमपीज, गेट ए जिम अपग्रेड कर्सी टू बीसीसीआई। बीसीसीआई ने यहाँ पर 2.25 करोड़ रुपीज दिए हैं जिम इक्विपमेंट खरीदने के लिए, उस जिम के लिए विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसे कुछ काम का नहीं है, मुझे सिर्फ आपको न्यूज बतानी थी किस तरह से पब्लिक के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है हर जगह। एनीवे, छोड़िए, यहाँ पर हम आते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि देखिए, जब कोई कंफ्लिक्ट ज्यादा लंबा चल जाता है तो उसमें इवन हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, पुलिस हैं, वो भी न्यूट्रल नहीं रह पाती है, एंड दिस इज वेरी बैड साइन, राइट? तो वैसे ही कुछ हुआ है यहाँ पर मणिपुर में। पुलिस ने FIR रजिस्टर किए अगेंस्ट असम राइफल्स। उनका ये मानना है कि इन्होंने कुकी मिलिटेंट्स को भागने में मदद की। ओके, सो अगेन दिस इज वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट। एंड नाउ एक बात तो क्लियर है कि मणिपुर की सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। एक वीडियो सर्कुलेट हुआ है अभी ट्विटर पे कल ही, जिसमें टू मैन वर शूटिंग एट ए वुमेन्स हेड। ओके, उसके सिर में गोली मार रहे हैं, एंड he was saying on the video no more head, nice, okay, these were the words। मतलब उसके सिर में तब तक गोली चलाई गई नॉन स्टॉप जब तक उससे एकदम बिल्कुल चिथड़े नहीं उड़ गए उसके। तो इस लेवल का वायलेंस वहां चल रहा है, एंड मैं आपको प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट तो खैर बता ही चुका हूँ क्या कहा था उन्होंने। एनीवे, अभी भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट सीरियस नहीं ले रही है मणिपुर वायलेंस को। लेट इट बी। सुमोटो FIR अगेंस्ट पर्सनल ऑफ असम राइफल्स फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग बिष्णुपुर पुलिस पर्सनल ड्यूरिंग वायलेंस। द 9th असम राइफल गेव चांस टू अक्यूज कुकी मिलिटेंट्स टू एस्केप फ्रीली टू ए सेफ जोन। फिर यहाँ पर आपको पता होगा कि हमारे जुडिशरी में हर साल इनको वैकेंसी दी जाती है, सॉरी नॉट वैकेंसी, हॉलीडे पे भेजा जाता है, वैकेशन, राइट? एंड इस वजह से होता है क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज आपसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बात करूं, तो वहां पर एक केस चल रहा है सिंस 2020 रिगार्डिंग ओबीसी रिजर्वेशन, राइट? और इस वजह से सिंस 2018 के बाद से कोई भी नई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। बार बार सुनवाई होती है, तारीख पे तारीख मिलती है, फिर बीच में जज वेकेशन पे चले गए या जज चेंज हो गया है, फिर नया जज आता है, फिर से जीरो से स्टार्टिंग होती है पूरी सुनवाई की। इस तरीके से बच्चों के 5 साल वहां पे खराब किए गए। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो वेकेशन वाला कल्चर है, इट इज ए कॉलोनियल लेगेसी, बिकॉज दे कंसिडर्ड ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग दोस टाइम, दे कंसिडर्ड देमसेल्फ रियली एज लॉर्ड। ओके, वो लोगों से ऊपर ही समझते थे अपने आप को। तो ये जो कॉलोनियल लेगेसी है, इसको चेंज करने का टाइम आ गया है। ये वेकेशन एक कॉलोनियल लेगेसी। पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा है दैट जजेस शुड टेक टर्न्स टू गो ऑन वेकेशन। जैसे हाईकोर्ट में बहुत सारे जज होते हैं, राइट? दो या तीन लोगों की बेंच बना के बैठते हैं वो अलग अलग केस में। तो ऐसा नहीं है कि सारे जज को एक ही टाइम पे आप वैकेशन पे भेज देंगे। आप जैसे एक बेंच पे को भेज सकते हो पहले वैकेशन पे, फिर दूसरी बेंच को, ताकि जो लिटिगेंट्स हैं वो परेशान ना हो, वहां सुनवाई करने के लिए कोई तो जज हो किसी बेंच पे। इट कॉज डीप इनकन्वीनियंस टू द लिटिगेंट्स। दो रीजन है दिए जाते हैं इसके लिए कि आप या तो ये खत्म कीजिए या फिर बाय टर्न भेजिए वैकेशन पे। तो फर्स्ट इज ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस इन आर कोर्ट्स। अब तो 5 करोड़ हो चुके हैं करीब पेंडिंग केसेस। एंड नेक्स्ट, इनकन्वीनियंस फेस्ड बाय लिटिगेंट्स। ओके, तो अगर आपको ये, अब देखिए यहां पर इनके खुद के 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, राइट? बट हो क्या रहा है, अब जैसे मणिपुर के केस में इन्होंने एक कमेटी बनाई है जो मॉनिटर करेगी वहां के रिहेबिलिटेशन को। एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, ये काम है एग्जीक्यूटिव का, बट आप वहां पर एंटर कर रहे हो, ठीक है? उसी तरह कई बार दिल्ली के पॉल्यूशन या अलग अलग सिटी के पॉल्यूशन को लेकर या रिवर्स के पॉल्यूशन को लेकर PIL फाइल कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, और वहां पर फिर वो एक प्रॉपर कमेटी बनाता है कि हम बनाएंगे कि कैसे इस पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा। या आपने BCCI का रिफॉर्म करने के लिए कमेटी बनी थी, लोधा कमेटी, ऑलराइट? उसी तरीके से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी रिफॉर्म करने के लिए लोधा कमेटी ही बनी थी। तो ये जो आप कर रहे हो, ये काम है लेजिस्लेचर का। मणिपुर में आप जो कर रहे हो, वो काम है एग्जीक्यूटिव का, ठीक है? वहां पर एग्जीक्यूटिव नहीं कर रहा, आपका स्टेप इन करना बनता है। लेकिन जब आप इस तरह की चीजों में भी
सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए आप लेजिस्लेचर का काम करने लगते हो, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल ओवर रीच, और जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवर रीच। अब ये लोग कहते हैं कि जहां पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर फेल हो जाता है या वो अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पाता है, वहां पर जुडिशियरी को आना पड़ता है। तो फिर आप भी तो अपनी ड्यूटी में फेल हो ना, 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है आपके आपके कोर्ट्स में, और राइट, तो जुडिशियरी भी तो अपनी ड्यूटी में फेल हो रही है ना, और राइट। तो मुझे आपको यहाँ पे यही समझाना था। नाउ एक रिसर्च है ये, जिसमें कहा गया है कि अगर आप न्यूट्रिशन इंप्रूव कर दें तो टीबी केसेस में कमी देखने को मिलती है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट रिड्यूस रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी अमंग टीबी पेशेंट। एंड टीबी को लेकर मैं पूरा अपनी मेन्स सीरीज में एक वीडियो करवा चुका हूँ, ताकि आपको मेन्स में क्वेश्चन हैंडल करने में दिक्कत ना आए, वहाँ पे हमने सभी एस्पेक्ट्स कवर किए हैं। ऑलराइट, तो इसमें जो भी नई न्यूज आती है, कुछ एडिशन होता है, तो आप अपने नोट्स में लिखते रहिएगा आगे, चाहे आप नोट्स डिजिटल फॉर्मेट में बनाएं या हैंड रिटन बनाएं, लेकिन बनाएं जरूर। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हैंड रिटन फॉर्मेट में ही बनाइए, क्योंकि एग्जाम में जब आपको हैंड रिटन देना है तो फिर आप पीडीएफ वगैरह में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एनीवे, इम्प्रूव न्यूट्रिशन कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ टीबी बाय अप टू 40% एंड इन्फेक्शियस टीबी बाय अप टू 50%। एंड ये स्टडी की किसने, तो ये की है लैंसेट ने, ठीक है। इसको जब आप कोट करते हैं अपने आंसर में, दैट गिव्स मोर वेटेज टू योर आंसर। नाउ अर्ली वेट गेन अमंग अंडर वेट पेशेंट्स विद टीबी कुड रिड्यूस रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी बाय अप टू 60% एज इट इंश्योर्ड हायर ट्रीटमेंट सक्सेस। नेक्स्ट, अब देखिए ये न्यूज आपके एग्जाम के लिए काम की हो ना हो, बट ये मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से है, एंड इट इज वेरी, मतलब जिसपे शर्म आ जानी चाहिए देश को, इस तरह की सिचुएशन है। यहाँ पर एक कोटेश्वरी रिवर है जिसमें सांप भी रहते हैं, ओके, इसलिए एक इन्फेक्टेड रिवर है। यहाँ से बच्चों को स्विम करके स्कूल जाना पड़ रहा है। लुक एट दिस सिचुएशन, एंड वी टॉक अबाउट दैट वी आर बिकमिंग ए विश्व गुरु, ऑलराइट, हमारे मीडिया की लैंग्वेज में। अब हालत देखिए कि आप बच्चों के स्कूल जाने के लिए आपके पास छोटे से ब्रिज नहीं है, आपके पास कोई रोड नहीं है जहां से आप स्कूल की कनेक्टिविटी इंश्योर कर सकें, और अगर नहीं है आपके पास, तो फिर आपने ऐसी जगह स्कूल बनाया क्यों? वी शुड इंश्योर कि स्कूल एक्सेसिबल तो हो, स्कूल की क्वालिटी, वहां का एजुकेशन, वो बात की बात है, पर वहां तक आने के लिए एक्सेसिबिलिटी भी है या नहीं? क्योंकि यहाँ पे बच्चों को क्या करना पड़ता है, अपने ड्रेस बैग में रखने पड़ते हैं, एंड देन दे स्विम अक्रॉस द रिवर, और फिर वहां जाके वापस ड्रेसअप होते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में लड़के तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, बट लड़कियां क्लास 8 के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करती, एंड दिस एरिया इज डोमिनेटेड बाय भील ट्राइब, ओके, और ये ट्राइबल एरिया है, इसीलिए नो वन केयर अबाउट इट, ऑलराइट। एंड यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है सिंस 2003, उसके बाद भी अगर आज ये सिचुएशन है, एंड देन दे क्लेम लाइक सी कितना डेवलपमेंट किया है हमने, वी आर नंबर वन इन दिस, नंबर वन इन दैट, वी आर हैविंग दी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, किस काम का है वो? आपने वहां 4,000 करोड़ खर्च किए, और आप यहाँ पर अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए रास्ता तक नहीं बना के दे सकते, ओके, दिस इज वेरी शेमफुल थिंग। एंड उसके ऊपर से ज्यादा शेमफुल ये है कि यहाँ पर बीजेपी के जो एमएलए हैं, वेल सिंह भूरिया, ओके, जस्ट रीड हिज वर्ड्स, आई प्रोमिस यू द ब्रिज विल बी मेड आफ्टर द इलेक्शन दिस ईयर। एटीट्यूड देखिए हमारे पॉलिटिशियंस का, कि यहां पर ब्रिज बनवा देंगे लेकिन आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन अगले साल होंगे जनवरी में, ठीक है, थोड़ा सा डिले किए गए हैं, वैसे तो अक्टूबर में होने चाहिए थे, बट पहले इलेक्शन जरूरी है, उसके बाद बच्चों का एजुकेशन। कल मैंने आपसे रिक्रूटमेंट स्कैम्स की बात की थी अलग अलग स्टेट में, राइट, मीन्स अगर एजुकेशन को ही जो देश इतनी ज्यादा पीछे रख दे और प्रायोरिटी दे इलेक्शन और स्टैच्यूज बनाने को, तो ऐसे देश का यू नेवर नो कि विश्व गुरु बन सकते हैं या नहीं बन सकते। एनीवे, अगर मैं आपकी एग्जाम्पल बताऊँ, आपने के कामराज का नाम सुना होगा, राइट, ही इज नोन एज किंग मेकर इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे ड्यूरिंग लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी जी के टाइम, यही थे जिन्होंने इन लोगों को प्राइम मिनिस्टर के लिए आगे किया था, ठीक है। ये तमिलनाडु में 1954 से चीफ मिनिस्टर रहे थे, ऑलराइट, एंड चीफ मिनिस्टर बन के इन्होंने सबसे पहला काम किया था, ही ओपन 18,000 स्कूल्स, तमिलनाडु के सीएम, ओके, 18,000 स्कूल्स इन्होंने ओपन किए थे बनने के बाद। एंड इसका नतीजा ये हुआ था कि इंडिपेंडेंस के टाइम जहां लिटरेसी रेट तमिलनाडु में सिर्फ 7% था, वो विद इन 10 ईयर्स, जस्ट 10 ईयर, बहुत शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम था, ये बढ़ के 37% हो गया था लिटरेसी रेट। ऑलराइट, तो हमारे पास इस कैलिबर के लीडर्स थे जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे,
ओके okay, और आज के हमारे लीडर्स को देखिए, वी विल मेक स्कूल श्योरली, बट वी विल मेक ए ब्रिज बट आफ्टर इलेक्शन. ऑलराइट, दिस मैन कामराज, ही इज नोन एज किंग मेकर. ओके, क्योंकि जब नेहरू जी की डेथ हुई थी, ही हैड ऑल द रिसोर्सेज, एवरीथिंग टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, बट ही डिडंट ऑप्टेड फॉर दैट. एंड व्हेन ही डाइड, मिस्टर कामराज, ही जस्ट हैड 130 रुपीज इन हिज अकाउंट, जस्ट 130 रुपीज. ये मत सोचिए कि उस टाइम 130 रुपीज ज्यादा होते थे. हाँ होते थे, बट स्टिल ही वॉज एक्टिव इन पॉलिटिक्स सिंस बिगिनिंग. ओके, कई बार एमएलए रहे, कई बार एमपी रहे, उसके बाद भी व्हेन ही डाइड ही वॉज हैविंग जस्ट 130 रुपीज. एंड ही इज एम्फेसिस ऑन स्कूल एजुकेशन, जो इन्होंने यहाँ पे स्कूल एजुकेशन, एंड ही हिमसेल्फ, वो खुद सिर्फ 8 क्लास तक पढ़े हुए थे. ओके, तो जो लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में आने के लिए एजुकेटेड लोगों को ही आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, अच्छी नीयत वालों को आना चाहिए. ओके, तो मैं सिर्फ आपको के कामराज के बारे में बता रहा था कुछ बातें. एनीवे, लेट्स गेट बैक टू आवर, इससे रिलेटेड दो चीजें थी. एक हमारे एमपी के सीएम ने शुरू किए थे, सीएम राइस स्कूल इक्विप्ड विद स्मार्ट क्लासेस. अब स्मार्ट क्लासेस किसी काम की नहीं है अगर कनेक्टिविटी नहीं है. फिर इवन शेड्यूल में खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था दैट ओवर 400 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन वर रनिंग एंड 24,000 सच स्टूडेंट्स वर गेटिंग एजुकेशन इन दिस स्टेट. ओके, रिमेंबर दिस सीएम राइस स्कूल. सीएम राइस तो चलिए आप मत कीजिए क्योंकि आप सब एमपी से नहीं है, बट 400 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे फॉर द ट्राइबल्स. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. ओके, यहाँ पर आपको पता है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई थी, दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं. सो हाईलाइटिंग इरेगुलरिटीज इन रजिस्ट्रेशन एंड वैलिडेशन ऑफ बेनिफिशरीज, यहाँ पर क्या हुआ है कि लाखों बेनिफिशरीज, ऑलमोस्ट 7.5 लाख, आपको पता है यहाँ पे नंबर से जोड़ा जाता है बेनिफिशरी के मोबाइल नंबर से, तो ये 7.5 लाख लोगों ने एक ही फोन नंबर रजिस्टर करवा रखा है, 9999999999. ओके, सो ये इरेगुलरिटीज सीएजी की रिपोर्ट में सामने आई है. CAG revealed that 7.5 lakh beneficiaries were linked with single phone number. And not just this 7.5 lakh. Achha, for now, remember this beneficiary identification system. We will talk about this in a while. Not the, just about 7.5 lakh, but also 1.39 lakh with this number, 90,000 with this particular number. Okay, एक ही नंबर पे बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है. राइट, तो 7.8 करोड़ बेनिफिशियरी हाउसहोल्ड रजिस्टर हैं इस स्कीम में. ओके, दैट इज अराउंड 73% ऑफ टारगेटेड. टारगेट किया था 10 करोड़ हाउसहोल्ड को, बट गवर्नमेंट ने बाद में इंक्रीज किया अपना टारगेट कि नहीं, 10 नहीं, 12 करोड़ हाउसहोल्ड को टारगेट देंगे. हाउसहोल्ड की बात हो रही होगी, बी केयरफुल. 12 करोड़ हाउसहोल्ड, अगर हर हाउसहोल्ड में 5 मेंबर भी आप समझेंगे तो इट कवर ऑलमोस्ट 60 करोड़ पीपल. राइट, देन इसको रिमूव करने के लिए व्हाट दे आर डूइंग इज डिप्लॉयमेंट ऑफ बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन नंबर 2.0. ओके, दिस इशू शैल बी रिजॉल्व. नाउ BIS 2.0 सिस्टम हैज बीन कॉन्फिगर्ड सो दैट मोर देन ए सर्टेन नंबर ऑफ फैमिलीज कैन नॉट यूज द सेम मोबाइल नंबर. अरे जैसे सी अमंग द पुअर्स व्हाट हैपन इज द सम आर स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली काइंड ऑफ सिस्टम. अरे लाइक चाचा पापा एंड ऑल. ओके, सो इफ दे आर पुअर, दे आर हैविंग जस्ट वन सेल फोन, यू कैन अलाउ टू और थ्री फैमिलीज रजिस्टर्ड विथ वन पर्टिकुलर नंबर. बट इफ लैक ऑफ पीपल रजिस्टरिंग विथ सेम मोबाइल नंबर, देन देर इज अ क्लियर फ्रॉड ना. सो दैट विल बी एलिमिनेटेड बाय दिस BIS 2.0 सिस्टम. और एक फिर कुछ दिन पहले हमने इसी से रिलेटेड एक और चीज देखी थी कि इसी तरह के फ्रॉड राशन कार्ड में भी देखने को मिलते हैं और मनरेगा कार्ड में भी. तो इसके लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली इस तरह के कार्ड्स, फेक कार्ड्स को बाहर कर दे. देन देर वॉज फ्यू डेज बैक ऑल्सो देर वॉज न्यूज अबाउट द सुसाइड्स इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने खुद कल ये डेटा दिया है लोकसभा में दैट देयर इज हाइएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड्स बाय सेंट्रल आर्म फोर्सेस इन 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर्स. ऑलराइट, 436% डाइड बाय सुसाइड बिटवीन 2022. एंड व्हाट आर द रीजंस? रीजंस इज ट्रॉमा ऑफ बीइंग अब्यूज्ड, बुलिंग एट द वर्क प्लेस. बुलिंग यू कैन इमेजिन कि जैसे हमारा CISF है जो
मेट्रो एयरपोर्ट वगैरह की प्रोटेक्शन करता है। वहां पर जो नॉर्थ ईस्ट के लोग आते हैं उनको कई बार बुली किया जाता है उसके लिए। ओके देन देर इज फियर ऑफ डिसिप्लिनरी और लीगल एक्शन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंपनी एंड कमांडर एंड जवान। ओके इसके अलावा सर्विस कंडीशन, वर्किंग कंडीशन, पर्सनल एंड इंडिविजुअल इशूज। इसी के साथ हमने कुछ दिन पहले जो दूसरी न्यूज थी उसमें देखा था ना कि दे आर अरेंजिंग काउंसलिंग फॉर जवान्स, ताकि जाना जा सके कि इनकी मेंटल स्टेट कैसी है। इसी में आप जोड़ सकते हो कि योगा शुड बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, मैंडेटरी किया जाए योगा इनका, ताकि मेंटल पीस रहे इनके पास। देन बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन जवान्स एंड दी कमांडिंग ऑफिसर, बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन कमांडिंग ऑफिसर, ताकि अगर कोई सीरियस ग्रीवांस है तो वो उसको कन्वे कर सकें। जैसे कुछ साल पहले एक बीएसएफ जवान ने अपना वीडियो डाला था ना कि खाना बहुत खराब मिल रहा है यहाँ पर, दाल में पानी है, रोटी है और कंप्लेन इस तरह की, तो उसको वो वीडियो डालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसने जब अपने कमांडिंग ऑफिसर से या सीनियर से बात की तो दे डिडंट पे हीड टू हिज ग्रीवांसेस। ऑलराइट, जनरल मुनीस पाकिस्तान। देखिए इसमें ये जो आर्टिकल लिखा गया है कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी कंट्रोल करती है पॉलिटिक्स को या उसमें इंटरफेयर करती है, वो लिखा है वो ठीक है। वो एक अगर आप उसी फील्ड में हैं जैसे आप इंटरनेशनल रिलेशन से देखते हैं, आपको जानना है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना डिटेल में नहीं जानना है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा इसमें। जैसे इस वक्त पाकिस्तान के सामने तीन सबसे बड़े चैलेंज हैं। पहला है उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, दूसरा है इंटरनल सिक्योरिटी एंड थर्ड है उसका वेस्टर्न बॉर्डर। कैसे? पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जब नवाज शरीफ, पहले तो आपको पता होगा कि जो इनके मुशर्रफ थे उन्होंने नवाज शरीफ गवर्नमेंट को हटा के अपना मिलिट्री रूल लगाया। ऑलराइट, उसके बाद 2007 के आसपास उन्होंने कहा ठीक है हम वापस से डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट को आने देंगे। ओके फिर जो एक बेनजीर भुट्टो थी उनका असैसिनेशन हो जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर तो बनती हैं, ठीक है, या नहीं बनती, शायद इलेक्शन रैली में उनका हुआ था, जो भी है खैर, शी वॉज असैसिनेटेड। राइट, फिर इनके जो हस्बैंड थे जरदारी, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। ऑलराइट, फिर उसके बाद वापस से नवाज शरीफ आ गए। फिर नवाज शरीफ को हटाने के लिए आर्मी ने क्या किया, इन्होंने एनकरेज किया मिस्टर इमरान खान को कि आप मैसिव प्रोटेस्ट कीजिए स्ट्रीट्स पे, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो इमरान खान ने बहुत प्रोटेस्ट किए नवाज शरीफ की गवर्नमेंट की छवि खराब कराने के लिए। फिर इन्होंने आर्मी ने प्लान किया एक जुडिशियल कूप, यानी कि जुडिशियरी के थ्रू आपने नवाज शरीफ को बैन करवा दिया कि नवाज गवर्नमेंट गई, वो कुछ करप्शन चार्जेस एंड जो भी रीजन थे, बट देयर वॉज क्लियर हैंड ऑफ की जुडिशियरी पे आर्मी का प्रेशर था दैट आपको यही जजमेंट देना है, नवाज शरीफ हैज टू गो। एंड फाइनली नवाज शरीफ का डाउनफॉल होता है और उसके बाद वापस से आ जाते हैं इमरान खान। अब अगर पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री में आप कोई एक आदमी देखेंगे जिसे आप कह सकते हैं कि रियली एक सेंसिबल आदमी प्राइम मिनिस्टर बना था पाकिस्तान में, तो इट वॉज इमरान खान, वेरी पेट्रियोटिक पर्सन। ऑल राइट, ही ट्राइड कि आर्मी को डिस्टेंस पे रखा जाए सिविलियन मैटर्स से, ओके आर्मी का इंटरफेरेंस ना हो डे टू डे पॉलिटिक्स में ज्यादा, एंड एट द सेम टाइम ही ऑल्सो वॉन्टेड ए स्ट्रेटेजिक अटोनमी फॉर हिज कंट्री कि यूएसए के इतना प्रेशर में नहीं आना है हमें। एक बार उन्होंने इलेक्शन रैली में इंडिया का स्टेटमेंट तक सुनाया था, आई थिंक जयशंकर का था या अजीत डोवाल का था, उन्होंने स्टेटमेंट बकायदा अपनी इलेक्शन रैली में सुनाया कि देखिए इंडिया कैसे अपना स्टैंड रखता है इंटरनेशनल लेवल पर कि हम अमेरिका के साथ भी हैं, हम रशिया के साथ भी हैं, लेकिन फिर भी हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। तो इमरान खान इस बात को लेके काफी क्लियर थे कि पाकिस्तान की भी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ना चाइना से दबना है, ना यूएसए से दबना है, और ना ही अपनी खुद की देश की आर्मी से दबना है। अब अगर इनकी आर्मी की बात करें तो अगर सबसे रिचेस्ट आर्मी ऑफिसर्स आपको देखने हैं तो आप पाकिस्तान आर्मी में देख लीजिए। ये लोग जब रिटायर होते हैं दे रिटायर विद 100 acres, 200 acres ऑफ एस्टेट्स। ओके आप पाकिस्तान में जाइए आपको सबसे ज्यादा मॉल्स पाकिस्तानी आर्मी से रिटायर हुए लोगों के मिलेंगे। पाकिस्तान के एनुअल बजट का 70% फंड उनकी आर्मी कॉर्नर कर लेती है। सेम वही इंडिया एंगल दिखा गई थी, इंडिया इंडिया कश्मीर, ओके वी हैव अफगानिस्तान प्रॉब्लम, वी हैव टेररिज्म प्रॉब्लम, ये सब दिखा के इसलिए पाकिस्तान इतना ज्यादा बैकवर्ड है।
ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन देयर आर्मी, उनका इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है पॉलिटिक्स में। अब मैं आता हूँ इन तीन मैटर्स पर, ये जो तीन चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान के सामने। और देखिए हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी नेशन अगर डेवलप होना चाहता है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है उसके लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है देयर शुड बी पीस एट इट्स बॉर्डर। अगर इंडिया को भी अपने यहाँ पर स्टेबिलिटी बनाए रखनी है, अपने डेवलपमेंट की बात करनी है, तो हमें चाहिए एक स्टेबल नेबरहुड। कोई भी इनस्टेबल नेबर होगा अगर, तो प्रॉब्लम हमारे दरवाजे तक आने में देर नहीं लगेगी। बांग्लादेश की जो लिबरेशन वॉर हुई थी 1971 में, उसमें क्या हुआ था, ऑलमोस्ट 2 करोड़ रेफ्यूजीज इंडिया में एंटर कर गए थे और वो वापस भी नहीं गए, वो आज भी इंडिया में ही बसे हैं। इसलिए असम में वो प्रॉब्लम होती रहती है इन्फिल्ट्रेटर्स की। ठीक है, तो हमें चाहिए एक स्टेबल नेबरहुड। ठीक है, अगर पाकिस्तान आज फॉल करता है इकोनॉमिकली या सिक्योरिटी वाइज, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे देर सबेर फील होगा ही होगा, डेफिनेटली पंजाब में भी होगा, कश्मीर में भी होगा। और सो फर्स्ट थिंग इज कि वी डिजायर कि अगर जरूरत पड़े, जैसा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, अगर पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगी तो इंडियन आर्मी के साथ मिलकर भी टेररिज्म से लड़ेंगे हम लोग। तो पहला हमें पीस एट द बॉर्डर चाहिए। एंड आपको अगर याद होगा, आपने वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ी होगी, तो उस टाइम पर जर्मनी की जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने कहा था जस्ट गिव अस 10 मोर ईयर ऑफ पीस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम लोग ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस सबको पीछे छोड़ देंगे। खैर फ्रांस तो ऑलरेडी पीछे ही था। वी विल बी नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। पर हिटलर को लड़ने की ज्यादा जल्दी थी, उसने को ज्यादा जल्दबाजी कर दी। वरना यूएसए से भी काफी आगे होता इंडस्ट्रियलाइजेशन में जर्मनी। और तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपनी भी डेवलपमेंट की बात करें, तो वी नीड पीस एट आर बॉर्डर्स और एट आर इन आर नेबरिंग कंट्रीज। क्लियर फर्स्ट थिंग। तो अब पाकिस्तान के साथ ये जो तीन प्रॉब्लम्स हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, तो इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। और अभी भी जो गवर्नमेंट चल रही है उस पर आर्मी का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो जब तक आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तब तक आपके यहाँ किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट नहीं आते हैं। और पाकिस्तान की हालत इसलिए बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए वो अपने सारे नेशनल एसेट्स को प्राइवेटाइज करने जा रहा है। और ये हमने पिछले एक आर्टिकल में डिस्कस भी किया था। मोस्टली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादातर किससे आएगा, या तो गल्फ कंट्रीज से आएगा या फिर चाइना से आएगा। अब देखिए यूएसए ज्यादा सीरियसली लेता नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि वो यूएसए जैसे ये पाकिस्तान का अगर मैप मान लें हम, और यहाँ पे अफगानिस्तान मान लें, तो यूएसए को यहाँ से एक लाइन चाहिए होती थी पाकिस्तान से जब तक उसकी आर्मी अफगानिस्तान में पोस्टेड थी। और फिर थोड़ा बहुत तालिबान के साथ नेगोशिएशन करने के लिए भी पाकिस्तान की जरूरत पड़ती थी यूएसए को। बट जब से यूएसए ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस यूएसए के लिए बहुत ज्यादा कम हो गई है। वो अब ज्यादा ध्यान नहीं देता इस पर। तो जो भी इन्वेस्टमेंट अब ये लोग लाना चाहते हैं, वो या तो गल्फ कंट्रीज से ले सकते हैं, चाइना से ले सकते हैं, अपने नेशनल एसेट्स को प्राइवेटाइज करने के लिए, क्योंकि इनकी इकॉनमी बहुत बुरे हाल में गुजर रही है। और नेक्स्ट है इंटरनल सिक्योरिटी। तो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी में प्रॉब्लम हो रही है, एक तो रेडिकलाइजेशन की, इनका जो यूथ है वो ये मान रहा है कि हमारे यहाँ देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी ये सब फेल है, बार बार मिलिट्री कूप होते हैं, और हमारी इकोनॉमी फेल है, तो फिर ऐसे डेमोक्रेसी की, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का हमें क्या करना है। तो दे आर गोइंग मोर टूवर्ड्स रेडिकल इस्लाम, कि जो शारिया रूल कंट्री है वही शायद हमारे लिए बेटर हो। तो एक तो इससे भी फाइट करना है इनको। दूसरा, इनके यहाँ जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो आए दिन यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करता रहता है। तो ये अगेन उनका एक इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है। तो यहाँ पर इनके जो नए जनरल मुनीर हैं, उन्होंने बहुत सीरियस वार्निंग दी है कि अब हम किसी भी हद तक जाएंगे अगर इस तरीके का टेररिस्ट अटैक्स हम पे बार बार किए जाएंगे। तो अभी तहरीकी तालिबान है क्या, ये जो अफगानिस्तान तालिबान है उसी की एक ब्रांच है। तो अफगानिस्तान तालिबान डिनाई करता है कि देखिए हम नहीं कर रहे इनको एनकरेज, बट पाकिस्तान मानता है कि नहीं, एनकरेज आप ही कर रहे हो, आप चाहते हो जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान कैप्चर किया ना, ऐसे तालिबान पाकिस्तान भी रूल करे। अब आप लोग ISI के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, या पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। तीसरा, वेस्टर्न बॉर्डर। वेस्टर्न बॉर्डर वही जो अफगानिस्तान के साथ शेयर होती है, वहां से ये अफगानिस्तान में जो तालिबान रूलर्स हैं ये लोग वहां से टेररिस्ट को पाकिस्तान के अंदर घुसाते हैं। और ये जो मैंने आपसे इंटरनल सिक्योरिटी की बात की, उसमें एक बलूचिस्तान भी आ जाता है, क्योंकि वहां पर भी बलोच इंसर्जेंसी चलती रहती है, जो लोग मानते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट थ्रेट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान के सामने जो इनको हैंडल करने हैं।
बट हमारे लिए काम का सिर्फ इतना ही है कि हमें एक स्टेबल रीजन चाहिए अपने अराउंड में, अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए। मैंने आपको बताया था दो पाइपलाइन के बारे में भी, तापी पाइपलाइन एंड आईपीआई पाइपलाइन, दोनों पाकिस्तान के थ्रू ही आती है, और हमें भी गैस ऑयल की उतनी ही जरूरत है जितनी की पाकिस्तान को। तो वहां पीस होगा तो हमारी भी डेवलपमेंट पे काम होगा। नेक्स्ट आईएम बिल के बारे में, तो मैं इसमें सारी बातें ऑलरेडी कर ही चुका हूँ पहले। अगर आप में से कोई नया है जिसने पहले डिस्कशन नहीं सुने, तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि जैसे एक आईएम में क्या होता है, एक आपका बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है। ये लोग इलेक्ट करते थे पहले चेयरमैन को, फिर चेयरमैन प्लस 3 मेंबर की कमिटी होती थी जो डिसाइड करती थी डायरेक्टर को कि डायरेक्टर कौन बनेगा आईएम का। ठीक है, ये पुरानी सिचुएशन थी। अब इन लोगों ने क्या किया है, इसी में इन लोगों ने कुछ चेंज कर दिए हैं कि ये जो आप इलेक्ट कर रहे थे ना चेयरमैन को, आप इलेक्ट नहीं करोगे, ये नॉमिनेट होगा। नॉमिनेट कौन करेगा, विजिटर, और विजिटर कौन है यहाँ पर, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जो जिसको भी नॉमिनेट करेगा वो चेयरमैन बनेगा। और प्रेसिडेंट नॉमिनेट करना यानी कि इंडायरेक्टली कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। ठीक है, तो ये पहला अटैक है ऑन दी ऑटोनमी। सेकेंड, यही चेयरमैन 3 मेंबर के साथ बैठ के डायरेक्टर चूज करता था, तो इन 3 मेंबर में से एक मेंबर गवर्नमेंट अपॉइंट करे, विजिटर अपॉइंट करेगा, यानी कि इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब डायरेक्टर चूज करने में भी आपका इंटरफेरेंस होगा। तो ये है दूसरा रीजन, जो ये जो नया बिल आया है ना उसकी वजह से। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे केसेस आए थे जब इन्होंने कहा था कि यार ये आईएम वगैरह हमारे सुनते नहीं है सरकार की। जैसे आईआईएम अहमदाबाद रेफ्यूज टू एसिड टू एजुकेशन मिनिस्ट्री डायरेक्टिव टू रिव्यू ए डॉक्टोरल थेसिस डिस्क्राइब द बीजेपी एज ए प्रो हिंदू अपर कास्ट पार्टी। यहाँ पे आईएम अहमदाबाद ने एजुकेशन मिनिस्ट्री की डायरेक्टिव्स नहीं माने थे। सेकेंड, देर इज नीड फॉर चेक्स एंड बैलेंसेज बट गवर्नमेंट माइक्रो मैनेजमेंट कुड डू मोर हार्म देन गुड। तो ये इस बिल के दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। एंड हाँ, एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन, आई एम सॉरी, एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन ये है कि यहाँ पर विजिटर, उसको अथॉरिटी मिल जाती है कि वो एक इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अगर कुछ भी इंक्वायरी करवानी है किसी एक्ट में कि डायरेक्टर ने कुछ गलत किया है या बोर्ड ऑफ गवर्नर में कुछ गलत चल रहा है या रिक्रूटमेंट में कुछ गलती हुई है, तो इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर सकते हैं विजिटर यानी कि प्रेसिडेंट। इसके अलावा बोर्ड को सस्पेंड भी किया जा सकता है बाय द विजिटर। क्योंकि तो 4 प्रोविजन है इस बिल के, दैट इज मोर देन इनफ टू नो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आर्टिकल है यहाँ पे इन्होंने रिव्यू किया है इसको, आयुष्मान भारत स्कीम को। दिस आर्टिकल इज मोर लाइक हमारी यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह है ये आर्टिकल। ओके, इसमें जैसे कोचिंग वाले कहते हैं ना 85 क्वेश्चंस वर फ्रॉम आर टेस्ट सीरीज इन प्रीलिम्स। ओके, बस वैसी ही कहानी है। एनीवे, ना ए जाइंट लीप टुवर्ड्स एंश्योरिंग एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सितंबर 2018 में लॉन्च की गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.8 क्या कहता है हमारा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए। और ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी इसमें क्या प्रोविजन रखा था कि 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस हर फैमिली को दिया जाएगा फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन टू 12 करोड़ फैमिलीज। पहले 10 करोड़ टारगेट था, फिर 12 करोड़ कर दिया गया। ओके, स्कीम सक्सेसफुल रही इसलिए कई स्टेट्स ने भी अपना डोमेन थोड़ा बढ़ाया और उन्होंने और भी ज्यादा बेनिफिशरीज ऐड किए इसमें। तो अब ये बेनिफिशरीज बढ़ के हो चुके हैं ऑलमोस्ट 15 करोड़ हाउस होल्ड। ओके, फैमिलीज, फैमिलीज हाँ, नॉट इंडिविजुअल्स, 15 करोड़ फैमिलीज, 4-5 मेंबर भी समझेंगे तो 60 to 75 करोड़, यानी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दी पॉपुलेशन इंडिया की इस स्कीम में कवर हो रही है। अब क्योंकि ये स्कीम ने कंप्लीट किया है अपना 5th ईयर, तो यहाँ पर ये रिव्यू कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ एंड अचीवमेंट। अब देखिए यहाँ पर 5th ईयर कंप्लीट किया है ना स्कीम ने, सेप्टेम्बर में लॉन्च हुई थी, तो अब ये रिलेटेड न्यूज अगले 1 महीने तक आती रहेगी। मैं इसको आपको मेंस में तो करवाऊंगा ही, इसके चैलेंजेस, इसका वे फॉरवर्ड और इसके प्रोविजंस, बट फिलहाल मैं चाहता हूँ कि जब न्यूज़पेपर में ये आता रहे अगले कई 15-20 दिन तक, ताकि आप इसकी सारी चीज़ों से फैमिलियर हो जाओ बार बार पढ़ के। ओके, फिर जब हम मेंस में उसको डिस्कस करेंगे तो आप बेटर ग्रैस्प कर पाओगे, आप बेटर चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पाओगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने कहा है कि इसने रिड्यूस किया आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, बिल्कुल किया है।
कमर्शियलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर हैज हर्ट मोर पीपल, दैट इज फैक्ट। प्राइवेटाइजेशन होने से हेल्थ केयर का मिडिल क्लास आदमी और गरीब काफी दिक्कत हुई है। तो ये स्कीम क्या करती है, ये प्रीपेड कार्ड की तरह आपको प्रोवाइड कर देती है 5 लाख का इंश्योरेंस। आप जाइए हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा लीजिए, उसके बाद वो पैसा रीइंबर्स कर दिया जाएगा हॉस्पिटल्स को। ऑलराइट, इट इज यूज टू अवेल फ्री ट्रीटमेंट एट मोर देन 27,000 एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स। यहाँ पे देखिए, एक हॉस्पिटल पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उसको एम्पैनल होना होता है पहले कि मैं इस स्कीम के अंडर में आना चाहता हूँ। तो पहले तो कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल एग्री नहीं किया था कि नहीं नहीं हम नहीं कर पाएंगे ये इस तरह का काम, ठीक है। लेकिन अब जब देखा कि हाँ टाइमली पेमेंट भी मिल रहा है, आप बेनिफिट्स का ट्रीटमेंट कर दीजिए, फिर आप क्लेम फाइल कर दीजिए और आपके पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। और तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने जब ये देखा कि सब टाइमली हो रहा है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, इससे उनको पेशेंट ज्यादा ही मिल रहे हैं ना। फिर अगर ये कार्ड की सर्विस नहीं देते, स्कीम में एनरोल नहीं करते, तो पेशेंट्स कम आते, वो उन हॉस्पिटल्स में जाएंगे जिन हॉस्पिटल्स ने एनरोल किया है स्कीम में। ओके, तो अब और भी ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स आगे आए हैं इसमें। मोर देन 24 करोड़ आयुष्मान कार्ड हैव बीन क्रिएटेड। इट एम टू प्रोड्यूस एवरी पॉसिबल बेनिफिशियरी विद एन आयुष्मान कार्ड। अभी भी कई हैं जिनको या तो कार्ड नहीं मिला है, और अगर कार्ड मिल रहा है तो वो ठीक से वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो इसी के लिए फिर फोन नंबर यूज कर रहे हैं। और पीछे वाले आर्टिकल में हमने देख लिया है कि किस तरीके से फेक कार्ड इशू किए गए एक ही मोबाइल नंबर पर, 7.5 लाख, है ना। तो वो एक चैलेंज बन जाता है, उसको सॉर्ट आउट करना है। देन इट शुड बी नोटेड दैट ए पर्सन ऑन द बेनिफिशियल लिस्ट इज नॉट डिनाइड सर्विस इफ शी डज नॉट हैव ए कार्ड। ऑलराइट, तो पहले तो आप इंश्योर कीजिए कि सबको, जो भी बेनिफिशियरी हो, सबको कार्ड मिले और उनको सर्विस डिनाई ना की जाए। अब अगर इसकी सक्सेस के बारे में बताना है, तो स्कीम हैज कैटर्ड टू मोर देन 5.89 करोड़ एडमिशन डेली। नियरली 45,000 हॉस्पिटल एडमिशन आर ऑथराइज अंडर द स्कीम। देखिए, डेटा थोड़ा तो आपको पुट करना पड़ेगा अपने मेंस के आंसर में, तो इतना एग्जैक्ट याद मत रखिए, बस एक रफ फिगर रखिए कि हाँ 5.5 करोड़ एडमिशन हुए हैं इसके अंडर में, या डेली 45,000 हॉस्पिटल एडमिशन हो रहे हैं इसमें। ऑलराइट, एंड 48% ऑफ ट्रीटमेंट अंडर द स्कीम हैव बीन अवेल्ड बाय वीमेन। ये 3 पॉइंट्स आप अपने नोट्स में इंक्लूड करके रखिए, एक रफ फिगर रखिए बस माइंड में, ताकि आपका आंसर थोड़ा अच्छा दिखे। नाउ प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स विच हैव अवॉइडेड ज्वाइनिंग द स्कीम हैव नो जस्टिफायर रीजन टू स्टे आउट नाउ। एफर्ट्स आर बींग मेड टू सेटल द क्लेम्स विद इन ए डिफाइंड स्टैंडर्ड ऑफ 15 डेज। इवन उत्तराखंड ने तो ये सेटलमेंट सिर्फ 7 दिन के अंदर ही करने की प्रोविजन कर लिए हैं। ओके, 7 दिन के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल को उसका पैसा मिल जाता है, जितने भी बेनिफिशरीज को वो इस स्कीम के अंडर में ट्रीट करता है। राइट, एंड इवन एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं टू रिवॉर्ड हॉस्पिटल्स विद ए ट्रस्टवर्दी रिकॉर्ड विद एन अपफ्रंट पेमेंट ऑफ 50% ऑफ द क्लेम अमाउंट इमीडिएटली। जैसे ही आपने फाइल किया, आपको 50% आ जाएगा तुरंत, बाकी का 50% वेरिफिकेशन के बाद आएगा। ओके, लेकिन सिर्फ उन हॉस्पिटल्स का जिनकी रेपुटेशन अच्छी है। अभी जैसे थोड़े दिन पहले ही न्यूज में हमने डिस्कस किया था, गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ही मिसगाइड किया था पेशेंट को और उससे 26-27 हज़ार रुपये का बिल पे करवा लिया था। ऑलराइट, तो इस तरह के हॉस्पिटल्स को नहीं, लेकिन जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ये फैसिलिटी दी जा सकती है कि आप 50% पेमेंट आपको अपफ्रंट दे दिया जाएगा तुरंत। नाउ एवरी हॉस्पिटल इज मैंडेटेड टू हैव डेडिकेटेड प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र हु गाइड दी बेनिफिशरीज। तो इस तरह के डॉक्टर्स आपको मिसगाइड ना करें, उसके लिए मित्र आपको मित्र बनाए जाएंगे जो आपको गाइडेंस देंगे। नाउ दिस आयुष्मान भारत इज इन इस इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी। अब देखिए, अगर आपने कार्ड बनवाया एमपी में, अब आप रह रहे हैं दिल्ली में, तो क्या वो कार्ड काम करेगा? यस, करेगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी लाई गई है इसमें। उसी तरह हमने देखा था कि वन नेशन वन राशन कार्ड लाया गया है ना। आपका राशन कार्ड कहीं का भी हो, आप अगर किसी और स्टेट में आ गए तो आप वहां से राशन ले सकते हैं। उसी तरह की इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी इसमें भी लागू की गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पेशेंट रजिस्टर्ड वन स्टेट इज एंटाइटल्ड टू रिसीव केयर इन एनी अदर स्टेट। ऑलराइट, इट विल बी हेल्पफुल टू माइग्रेंट्स, नॉट जस्ट माइग्रेंट बट ऑल्सो स्टूडेंट्स, उसी कैटेगरी में आते हैं लोग। नाउ सर्विस डिलीवरी इज एंड टू एंड डिजिटाइज। एक पब्लिश डैशबोर्ड है, उसके अलावा क्लेम प्रोसेसिंग इज कंप्लीटली फेसलेस। इट रिक्वायर्स रियल टाइम मॉनिटरिंग, प्लग ऑल लूप होल्स। लूप होल्स हमने पीछे देखा अभी, फेक, तो उसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज करने वाले हैं वो लोग, ठीक है। इसी के साथ साथ एक नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट भी बनाई गई थी, विच विल डिजाइन इंप्लीमेंट एंड ओवरसी एंटी फ्रॉड इनिशियटिव। ठीक है, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन फॉर कार्ड क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रीटमेंट हैज बीन मैंडेटेड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग को यूज कर रहे हैं टू डिटेक्ट सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, पोटेंशियल फ्रॉड्स। डेस्क एंड फील्ड ऑडिट भी करते हैं।
प्रॉमिस ऑफ इंक्लूसिविटी एडेड पीपल फ्रॉम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। आपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी अराउंड 50 पैकेजेस लॉन्च किए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। देन सेकेंड इज इट गारंटीज कैशलेस सेकेंडरी एंड टर्शरी इनपेशेंट केयर फॉर ऑलमोस्ट ऑल हेल्थ कंडीशंस टू इज बेनिफिशियरी। राइट, तो यहाँ पर इन्होंने काफी सारी अच्छी बातें बताई, एक आध चैलेंजेस बताए। अभी ये न्यूज में और आता रहेगा, वो इंडियन एक्सप्रेस की आदत है, वो महीने भर एक न्यूज चलाता रहता है। ठीक है, जितना आ रहा है अभी लेट वेट, इसको फिर बाद में हम मेंस में प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करेंगे। राइट, और इस तरह की स्कीम्स, क्योंकि मेंस में आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो इसी तरीके से पूछा जाएगा कि कोई स्कीम के 5 साल हो गए हैं या 3 साल हो गए हैं, तो वो आपसे उसकी रिव्यू पूछता है एक तरीके का। ओके, कुछ आपको बताना होता है, तो इसलिए मैंने आपको एम्फेसाइज किया कि थोड़ा सा रखिए कि 5.5 करोड़ लोगों ने ट्रीटमेंट अवेल किया है, मोर देन 48% वेमेन ने अवेल किया है। ओके, डेली ऑलमोस्ट 48,000 एडमिशन हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में, 45,000। ओके, तो इस तरह का कोई डेटा दिमाग में रखिए ताकि आप एक अच्छा आंसर लिख पाए। दूसरा है, रेफरेंडम इज नॉट एन ऑप्शन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो केस चल रहा है अभी, वो कश्मीर का आर्टिकल 370 का, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए आपने देखा है ब्रेक्सिट में रेफरेंडम कराया, वहां पे कोर्ट कह रहा है नहीं वो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंडम इज नॉट ए प्रोविजन। ठीक है, हम ऐसे पब्लिक से रेफरेंडम नहीं करा सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज है, सीबीआई अकेडमी ज्वाइन द इंटरपोल ग्लोबल अकेडमी नेटवर्क बिकमिंग इट्स 10th मेंबर, विच विल पेव द वे फॉर डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड रिसर्च प्रोजेक्ट। इस वन लाइनर में याद रखना और रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ लैपटॉप्स वगैरह आपके इंपोर्ट पे जो बैन लगाया था गवर्नमेंट ने, तो अब उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि टॉप इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं जो ये बनाती हैं, उनके साथ मीटिंग की है। तो ये मीटिंग आपको पहले कर लेनी थी। ठीक है, ये तो आपने जब पैनिक क्रिएट हुआ तो अब आप पहुंचे मीटिंग कर, आपको पहले मीटिंग करनी थी उनसे। और उनसे आप ऐसे देखिए, जबरदस्ती तो आप नहीं इम्पोज करना चाहिए इस तरह का, क्योंकि हमें फिर से उस एरा में नहीं जाना है अपना, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाला। ठीक है, लेकिन आप इन कंपनीज के साथ बातें करें अगर रेगुलर, तो आप चांस पूछ सकते हैं कि आप देखिए हमारा गोल है कि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करना चाहते हैं, तो आप अपने एक प्लान बना के हमें सबमिट कीजिए कि आपका क्या विजन है अगले 3-5 साल में, कि आप कैसे हमारी इसमें मदद कर सकते हैं गवर्नमेंट की, कि आप कैसे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बेस बना सकते हैं इंडिया को, और उसके लिए आपको क्या क्या जरूरत होगी। तो वो उसमें फिर कंपनीज बता सकती हैं कि देखिए हमें यहाँ पर एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ओके, एक प्रॉपर कनेक्टिविटी चाहिए, 24 आवर वाटर सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए। तो वो अपनी अगर एक प्लान गवर्नमेंट के सामने रखें, फिर उसके हिसाब से गवर्नमेंट इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर डेवलप करेगी, तो हम ऑटोमेटिकली एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएंगे। लेकिन इस तरह के कर्व लगा देने से तो आपके जो स्टार्टअप चल रहे हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे अभी मृणाल सर ने कुछ दिन 2 दिन पहले ही ट्विटर पर डाला था, आई थिंक आसूस का लैपटॉप था। ठीक है, तो जिस दिन ये अनाउंस हुआ ना, उसके पहले उसका प्राइस था 3 लाख समथिंग, और अनाउंसमेंट के बाद 24 घंटे बाद ही उसके उस पे अमेजोन पे प्राइस शो हो रहा था 4 लाख समथिंग। ओके, तो फिर आप जिन स्टार्टअप पे प्राउड कर रहे हो कि दैट वी हैव थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना, फिर इनका क्या होगा, कैसे कॉम्पीट कर पाओगे। राइट, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब जो हार्डवेयर है वो क्या है, हर स्टार्टअप के लिए ये इनपुट कॉस्ट है ना। अगर मुझे कोई स्टार्टअप करना है, मेरी इनपुट कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो मैं कैसे कॉम्पीट कर पाऊंगा मार्केट में। फिर मैं जो भी सर्विस दे रहा हूँ या जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मुझे उसकी कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, एंड अल्टीमेटली फिर जब उसे बाहर सेल करूंगा तो वो अनकॉम्पिटेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे एक्सपोर्ट अनकॉम्पिटेटिव हो जाएंगे एंड फॉरेन में कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो एक्सपोर्ट रिड्यूस होंगे, रुपया कमजोर होगा, फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इम्पोर्ट लेड इन्फ्लेशन। ठीक है, वो सारी पिक्चर बनेगी फिर। तो ये अब जाके इन्होंने ठीक स्टेप लिया है, दैट आईटी मिनिस्ट्री मेट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर फर्म ऑन ट्यूजडे इन ए बिड टू अलाई कंसर्न्स अबाउट इंडियाज ट्रेड पॉलिसी स्टांस एंड मेक ए पिच फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा, नाउ दीज डिवाइसेज, ये सब ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट वगैरह, दीज डिवाइसेज आर क्रूशियल फॉर इंडिया स्टार्टअप वर्किंग ऑन डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज एक्सेट्रा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया था कि हमने क्या किया था, अपने जो कॉर्पोरेट टैक्स थे जो कि 30% हुआ करते थे, ठीक है, इसको रिड्यूस कर दिया था 22% उन कंपनीज के लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए, और 15% कर दिया था उन कंपनीज के लिए जो न्यूली बनना चाहती हैं अब। ठीक है, हमारा गोल ये था कि कॉर्पोरेट टैक्स हम कम करेंगे तो जो कंपनीज हैं
वो इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करेंगी। ठीक है, ये गोल था। और एक क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स अगर कम होगा तो ऑब्वियसली बात है वो उन कंट्रीज में क्यों जाएंगी जहाँ पे हाई टैक्सेशन है, वो यहाँ आएंगी। बट फिर भी उसके बाद भी हमें कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला फायदा। आज भी हमारा 14% ही कॉन्ट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग का। तो इससे गवर्नमेंट को ये कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस करके लॉस हुआ है 1 लाख करोड़ का। अब देखिए यहाँ से जो लॉस होता है उसकी रिकवरी गवर्नमेंट कहाँ से करती है, जीएसटी वगैरह इंक्रीज करके। और अब जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स एक तरह का। ओके, कॉर्पोरेट टैक्स जो कम किया है वो है डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स आप कम कर रहे हो और इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा रहे हो, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स एक तरह का क्या है, रिग्रेसिव टैक्सेशन है। ठीक है, रिग्रेसिव से मेरा मतलब है कि जैसे अगर आपको आपको सपोज 10% टैक्स देना है, ठीक है, आपकी इनकम है 100 रुपये, तो आपका कितना चला गया, 10 रुपये चला गया ना। ठीक है, अंबानी की इनकम है सपोज 1 करोड़ रुपए, तो उसका 10% कितना हुआ, कुछ होगा 1-2 रुपए, ठीक है, या और भी कम, जिसका सी सेट अच्छा हो पता होगा। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं रिग्रेसिव। इसलिए हम लोग के यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स जो है, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं प्रोग्रेसिव। जैसे डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब अगर आप सपोज 5 करोड़ 5 लाख रुपीज के स्लैब में आते हैं तो आपके 0% टैक्स है। 10 लाख के स्लैब में जाते हो तो चलिए 10% दे लीजिए। अगर 30 लाख आपकी इनकम है तो आप 30% दे दीजिए। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स हमेशा माना जाता है प्रोग्रेसिव और इनडायरेक्ट टैक्स माना जाता है रिग्रेसिव, क्योंकि वो गरीब को ज्यादा हार्म करता है कंपेयर टू अमीर आदमी से। ठीक है, जिसकी इनकम 1 करोड़ है उसके लिए 10% कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसकी इनकम 100 रुपये है उसके लिए 10 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। और तो आप यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स कम किया, यानी कि आप जो टैक्स प्रोग्रेसिव होना था आपने प्रोग्रेसिव टैक्स को कम कर दिया। तो इससे क्या होगा कि रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज गेटिंग पुअर। और जब आप इनडायरेक्ट टैक्स जो कि रिग्रेसिव इन नेचर है जब इसको इंक्रीज करते हो तो आप पुअर को ज्यादा हार्म कर रहे हो। ऑलराइट, सो दिस इज नॉट ए गुड ट्रेंड। समझ में आया? एक अच्छी सोसाइटी में हमेशा डायरेक्ट, जैसे सपोज 100 रुपये टैक्स से आ रहा है, तो एक अच्छी सोसाइटी जो होगी उसमें डायरेक्ट टैक्स से हमेशा ज्यादा पैसा आएगा, यानी कि रिच लोग ज्यादा पे कर रहे हैं क्योंकि वो इनकम भी उनकी ज्यादा है। ओके, डायरेक्ट टैक्सेस का शेयर ज्यादा होगा एक अच्छी सोसाइटी में। और जो बुरी सोसाइटी होती है उसमें डायरेक्ट का शेयर कम होता है और इनडायरेक्ट टैक्स का ज्यादा होता है, यानी कि आप अपने यहाँ के गरीबों को और ज्यादा निचोड़ रहे हो, उनकी इनकम ऑलरेडी कम है, आप उनसे और ज्यादा टैक्स ले रहे हो। तो ऐसा गवर्नेंस मॉडल अच्छा नहीं होता है। और इंडिया में पिछले कुछ साल से यही हो रहा है। एक तो कॉरपोरेट कंपनीज का टैक्स आपने कम किया वो तो ठीक है, दूसरा आपने इनके काफी सारे एनपीएस माफ करवा दिए। ओके, ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़ रुपए, 12 लाख करोड़। ठीक है, तो आप कॉरपोरेट्स को फायदा देने के चक्कर में, और उसके बाद फिर आपने जीएसटी बढ़ा बढ़ा के, ये पहली बार हुआ इंडिपेंडेंट इंडिया में। सिर्फ ब्रिटिश के टाइम ऐसा होता था जब सॉल्ट पे टैक्स लगता था, बट इस गवर्नमेंट ने आपको सॉल्ट पे भी टैक्स लगाया है। चलिए अब हम आते हैं नाइजर के इशू पे। तो देखिए पहले तो मैं चाहूंगा कि आप इस मैप को थोड़ा ध्यान से देख लें। दिस इज, ये रेड कलर में जो है ये है नाइजर। फर्स्ट थिंग इज इट इज लैंड लॉक कंट्री। ओके, सबसे पहला लैंड लॉक कंट्री है, इसमें कुछ नहीं है, कोई ओशियन से कनेक्टिविटी नहीं है। दूसरा मैं चाहूंगा कि आप देख लें यहाँ पे ये वाली जो है ये है आइवरी कोस्ट, सॉरी बुर्किना फासो। ओके, देश जिसको हम शेड कर रहे हैं ना, दिस इज बुर्किना फासो। यहाँ पर भी मिलिट्री कूप हुआ है, यहाँ पर भी मिलिट्री जनता ही रूल कर रही है। क्लियर? एंड दूसरा, सॉरी, दिस वन, ये जो कंट्री देख रहे हैं आप, ये कंट्री है माली। राइट, यहाँ पर भी मिलिट्री कूप है, यहाँ पर भी मिलिट्री जनता ही रूल कर रही है। एंड तीसरी कंट्री है ये वाली आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट, यर इज माली एंड दिस वन इज बुर्किना फासो एंड यर इज नाइजर। ठीक है, तो अगर आपने ये मैप अब ध्यान रख लिया, और देखिए ये पूरा किसका पार्ट है, ये पूरा वेस्ट अफ्रीका रीजन है ना, ये इधर का ये वेस्ट अफ्रीका रीजन, ये वाला रीजन हमारा ईस्ट अफ्रीका, या इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। इन चार कंट्रीज को ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहलाती है। ठीक है, तो अभी हम पहले टॉपिक पे आते हैं।
आपको पता है उस दिन अफ्रीकन यूनियन और इकोसॉक ने वार्निंग दी थी कि आप जो प्रेसिडेंट हैं उनको हाउस अरेस्ट से रिलीज करें और उनको फिर से रीस्टेट करें। 15 दिन की डेडलाइन दी थी, वो पास हो गई है, बट इनकी जो आर्मी है उसने माना नहीं। और जिसने ये कूप किया वो है जनरल टिचियानी। इनको हॉस्टेज बना रखा है इन्होंने, मोहम्मद बजोम को, जो प्रेसिडेंट थे वहां के। नाउ इकोवास, पहले तो इसका नाम क्या है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। ऑलराइट, हैज बीन प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन नाइजर क्राइसिस। कैसे? पहले तो ये ग्रुप बना कब है, तो इट इज ए रीजनल ग्रुप, सिर्फ वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का है। दूसरा, इट वॉज स्टैब्लिश इन 1975 थ्रू लागोस ट्रीटी। ये फैक्ट आप अपने प्रेजेंट के लिए याद रखेंगे। इसका काम क्या था, इसके नाम में इकोनॉमिक है तो इसका गोल था प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, 15 मेंबर्स इसके पार्ट हैं, नाम जानने की जरूरत नहीं है। ये जो तीन कंट्री है, माली, गिनी एंड बुर्किना फासो, इनके यहाँ पर भी क्या चल रहा है, मैंने आपको गिनी की लोकेशन नहीं बताई ना, जस्ट अ सेकेंड, दिस वन, ये दिस इज गिनी, यहाँ पर भी मिलिट्री ग्रुप है, दिस वन। ओके, इनकी कैपिटल देख लेना, कभी मैच द फॉलोइंग में दे दी अगर यूपीएससी ने तो। कई बार वो क्या है, वीक पेपर बनाता है, कई बार उसमें कुछ एक आध दो इजी क्वेश्चन घुसा देता है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये तीन कंट्रीज भी हैं जहां पर कूप हुआ है, और इन तीन कंट्रीज ने कहा है कि देखिए हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं ये जो कूप हुआ है उसको, और हम अपना एक डेलीगेशन भी भेजेंगे यहाँ पर सपोर्ट में, और अगर अगर ये जो इकोसॉक है, इकोवास, अगर ये अटैक करता है इस पर, कोई भी मिलिट्री एडवेंचर करने की कोशिश करता है नाइजर में, तो हम लोग मानेंगे कि हम पर भी अटैक हुआ है। ओके, एंड वी विल फाइट। तो इस तरह की वार्निंग दी है माली और बुर्किना फासो ने। नाउ सी, इकोवास लार्जर एम वाज टू हैव सिंगल कॉमन करेंसी। यूरोपियन यूनियन की तरह ये चाहते हैं कि हमारे बीच एक ही कॉमन करेंसी हो। क्रिएट ए सिंगल लार्ज ट्रेडिंग ब्लॉक इन एरियाज ऑफ इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, फाइनेंशियल क्राइसिस एंड सोशल। ठीक है, तो इनका भी गोल वैसे ही है कि यूरोपियन यूनियन की तरह अगर हम पूरे वेस्ट अफ्रीकन नेशन एक कम्युनिटी बन के रहें। ठीक है, आसियान भी अब तो कम्युनिटी बन चुका है, एक कॉमन करेंसी हो हमारी, एक कॉमन ट्रेडिंग ब्लॉक हो, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो, तो हम सबकी तरक्की हो सकती है, ये इसका गोल है। देन अब ये क्या कर रहा है, इकोवास हैज अटेम्प्टेड टू क्वेल मिलिट्री कंफ्लिक्ट इन द रीजन, और ये पहली बार नहीं है। इकोवास रीजनल पीस कीपिंग फोर्स वॉज डिप्लॉयड इन लिबेरिया इन 1990 ड्यूरिंग डेडली सिविल वॉर। इसके अलावा सैरा लियोन में भी इन्होंने 97 में जब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया था तब भी इन्होंने इंटरवीन किया था बीच में। एंड अजीब बात यह है कि ये जो जनरल चियानी जिन्होंने ये कूप किया है, वो खुद इसी इकोवास की पीस कीपिंग मिशन की बटालियन कमांडर रह चुके हैं 2003 में। तो कभी जो पीस कीपिंग के लिए जाते थे ट्रूप्स लेकर, आज वो खुद ही कूप कर रहे हैं। अब क्या क्या कर सकता है इकोवास इसमें? ठीक है, तो इसमें काफी चैलेंजेस है। पहला तो माली एंड बुर्किना फासो ने सपोर्ट किया है इस कूप को, उन्होंने कहा है कि हम लोग अपना डेलीगेशन भी भेजेंगे एंड वी विल कंसिडर एन अटैक ऑन इट एज एन अटैक ऑन देम। अगर आप नाइजर पे अटैक करते हो तो हम मानेंगे कि हम पर भी अटैक किया एंड हम रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो ये वॉर और बढ़ती जाएगी ऐसे तो। अब यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप मून से रिलेटेड कुछ बातें याद रखें, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला, देखिए जापान के द्वारा पहला मिशन कौन सा था, हितेन। ओके, भी कई बार ऐसा, जैसे एक बार क्या किया था उन्होंने, जो सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है ना, जीपीएस वगैरह, क्लोनस, जीपीएस, नाविक, इन सबको चार ऑप्शन देके पूछ लिया था कौन सा किस कंट्री का है। उसी तरीके से कुछ मिशन भी हैं, तो ये जितने भी लूना मिशन लॉन्च किए गए ना शुरू में, ये सब यूएसएसआर ने किए थे। ऑलराइट, अपोलो के नाम से जितने चांद पे मिशन भेजे गए हैं ये भेजे थे यूएसए ने, तो ये तो आपको पता होंगे। जापान ने भेजा है हाइकन नाम का। पहला यूरोपियन मिशन, यूरोपियन यूनियन का, तो वो था स्मार्ट वन। फिर चांग वन है चाइनीज का, चंद्रयान वन है हमारा जिसने प्रेजेंस ऑफ वाटर कंफर्म की थी। एंड चांग फोर को आप इसलिए याद रखिए, ये पहला था जिसने फार साइड ऑफ मून पे लैंड किया था। फार साइड मतलब आपने पता है ना, अर्थ एंड मून टाइटली लॉक है, हम कभी मून का दूसरा साइड का सरफेस नहीं देख पाते, वो हमेशा डार्क में रहता है। ओके, तो फार साइड ऑफ मून पे लैंड करने वाला पहला चाइना ने किया था, चांग फोर। और एक अब देखिए आप, सक्सेसफुल रेट कितना रहा है, 57% मिशन का। नाउ लुक एट हियर, 1960s कितने मिशन भेजे गए, 55। क्यों भेजे गए? क्योंकि
क्योंकि उस टाइम यूएसएसआर और यूएसए में रेस चल रही थी टेक्नोलॉजी सुप्रीमेसी की, कि टेक्नोलॉजिकली कौन ज्यादा सुपीरियर है, तो ये भेजते रहते थे मिशन। उसके बाद फिर खत्म होने लगी वॉर, तो फिर ये सब नीचे आ गया। ठीक है, 70s 80s में वॉर तो कोल्ड वॉर खत्म नहीं हुई थी, बट ये था कि यूएसएसआर कहीं ना कहीं समझ गया था कि दिस इज टोटली वेस्टफुल रिसोर्सेस, राइट। तो इसमें फिर हमें काफी कमी देखने को मिलती है। बट अब बात ये है कि अब ऐसा क्या हो रहा है कि कंट्रीज वापस से रश कर रही हैं चांद पे जाने के लिए। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्या था, पहले का रीजन था टेक्नोलॉजिकल रेस बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए, एंड टू गेन साइकोलॉजिकल एडवांटेज कि टेक्नोलॉजिकली कौन ज्यादा साउंड है। लेकिन पहले प्रॉब्लम ये थी, काफी एक्सपेंसिव होता था मिशन, मैसिवली एनर्जी इंटेंसिव एंड वेरी रिस्की, फेलियर रेट भी बहुत हाई था, ऑलमोस्ट 50%। ओके, लेकिन अब जो मिशन हम लॉन्च कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर, दे हैव बिगर ऑब्जेक्टिव नाउ। लूनार मिशन आर फार चीपर, होस्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मटेरियल्स टू इकोनोमाइज द ट्रिप एंड हैव ए हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी। इन फैक्ट सिंस रिजम्पशन ऑफ लूनार मिशन इन 1990, नॉट ए सिंगल मिशन हैज बीन कंप्लीट फेलियर। कंप्लीट फेलियर की बात की जा रही है हमें, पार्शियल फेलियर की नहीं। पार्शियल फेलियर तो होते हैं, जैसे हमारा चंद्रयान 2 था, ऑर्बिटर तो हमारा कामयाब रहा था, बट लैंडर और रोवर नहीं हो पाए थे, तो दैट वॉज अ पार्शियल सक्सेस। सिंस 1990 कोई भी किसी भी कंट्री का मिशन कंप्लीट फेलियर नहीं रहा है। तो अब जो हम मून को लेकर रश है वर्ल्ड ओवर, वो इसलिए है बिकॉज एवरी कंट्री विश टू यूज इट एज ए लॉन्च पैड फॉर ट्रेवलिंग डीपर इन टू द स्पेस एंड टू अदर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज। सेटिंग अप ए परमानेंट स्टेशन ऑन द मून इज ए फेयरली डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी विद इन अ डेकेड और टू, एक या दो डेकेड में ह्यूमन अपना वहां पर स्पेस स्टेशन बना लेंगे। ओके, इट इज अबाउट टेरिटरी एंड रिसोर्सेज। और फिर आपको पता होगा कि चांद पर हीलियम के भंडार हैं, एंड हीलियम इज कंसिडर एज अ वेरी गुड फ्यूल फॉर रॉकेट्स। तो पहले यहाँ से चांद पे जाएंगे, वहां पे रॉकेट दोबारा फिल करेंगे और फिर और आगे मार्स पे जा सकते हैं। क्लियर, तो ये उसका रीजन है। अब हम आते हैं कमिटीज पे। तो अभी क्या हुआ था कि पार्लियामेंट में एक कमिटी को लेके मेंबर्स अपॉइंट करने थे, तो वहां पे आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं राघव चड्ढा, उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिख दिए। बाद में लोगों ने कहा कि यार हमारा तो कंसेंट लिया ही नहीं गया था, हमसे तो परमिशन ली नहीं गई थी कि आप इस कमेटी का पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं। तो फिर उसी को लेके कल होम मिनिस्टर अमित शाह ने कुछ बोला था, तो इसलिए ये आर्टिकल आया है। तो इसके रिलेटेड कुछ बातें बता देता हूँ मैं आपको। पहली बात, हमारे पास देखिए दो तरह की कमेटीज होती है ना, एक होती है परमानेंट और दूसरी होती है एडहॉक कमेटीज। और एक परमानेंट यानी क्या है कि डिसॉल्व नहीं होती है, तो ऐसी 12 स्टैंडिंग कमिटीज बनी हुई हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, 12 स्टैंडिंग कमिटीज, दे आर परमानेंट इन नेचर। ऑलराइट, इसकी जो मेंबर होते हैं वो होते हैं नॉमिनेटेड। ये सब आपकी लक्ष्मीकांत में दिया है, आप पढ़ लेना, लेकिन इस आर्टिकल को पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र की असेंबली में हुआ था, वहां के हाउस के रूल से लेकर, और उससे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने प्रिलिम्स में। ऑलराइट, तो इस तरह की माइन्यूट डिटेल्स जो न्यूज़पेपर में आती है लेकिन लक्ष्मीकांत में नहीं दी होती ना, वो पूछता है यूपीएससी। और ये नॉमिनेट कौन करता है, चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उसी तरह से होती है एडहॉक कमिटीज। अब एडहॉक कमिटीज में या तो सिलेक्ट कमेटी होगी या फिर ज्वाइंट कमेटी होगी। अब एडहॉक है यानी कि क्या है, टेम्प्रेरी। ठीक है, जैसे इनका पर्पस पूरा हो जाएगा, जैसे सपोज एक बिल है उसको एग्जामिन करने के लिए आपने एक एडहॉक कमेटी सेटअप कर दी, जैसे वो बिल एग्जामिन हो गया उसके बाद पार्लियामेंट में दोबारा प्रेजेंट हो गया, उस कमेटी को डिसॉल्व कर देंगे, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, सिलेक्ट कमेटी होती है जिसमें सिर्फ एक ही हाउस के मेंबर होते हैं, और ज्वाइंट कमेटी होती है जिसमें दोनों हाउस से मेंबर आते हैं, लोकसभा से भी और राज्यसभा से, इसलिए इसका नाम ज्वाइंट। इतना समझ में आया, तो अब हम बात करते हैं जो आर्टिकल आया है। 12 स्टैंडिंग कमिटीज दैट आर परमानेंट इन नेचर, मेंबर्स नॉमिनेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द चेयरमैन। एडहॉक और टेम्पररी कमिटीज आर सेटअप फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस एंड आर डिसॉल्व वंस द पर्पस हैज बीन सर्व्ड। सिलेक्ट कमिटी बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, मेंबर्स मे मूव एन अमेंडमेंट दैट ए बिल बी रेफर टू सिलेक्ट कमिटी। अगर कोई बिल आया है हाउस में, उस पर अगर लोगों को लगता है कि यार इसमें प्रॉब्लम है अभी, तो एक काम कीजिए कमिटी को रेकमेंड कर दीजिए, ताकि वो उसको क्लॉज बाय क्लॉज एनालाइज कर सके, उसमें जो भी गलतियां हैं उसको ठीक कर सके, फिर कमिटी उस बिल को वापस भेज देगी यहाँ पर। ठीक है, और कमेटी में सब पार्टी के मेंबर होते हैं, इन प्रपोर्शन टू कि उनकी कितनी सीट्स हैं वहां पर, उसी प्रपोर्शन में कमेटी में भी उनके मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो या तो वो सिलेक्ट कमेटी हो सकती है, ज्वाइंट कमेटी। ज्वाइंट कमेटी यानी कि उसमें राज्यसभा के अलावा लोकसभा से भी मेंबर लिए जाएंगे, और जनरली ये लिए जाते हैं इनकी रेशियो 1:2।
ठीक है, मतलब राज्यसभा से अगर एक मेंबर आया तो लोकसभा से दो आएंगे। नाउ ज्वाइंट कमिटी हैज मेंबर फ्रॉम बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये ऑलरेडी मैं बता दिया। नाउ प्रपोज मेंबर्स कंसेंट हैज टू बी असर्टेन, देखिए अगर यहाँ पे जो आप मेंबर नॉमिनेट कर रहे हैं कमिटी के लिए उनका कंसेंट होना जरूरी है, आप जबरदस्ती नहीं नॉमिनेट कर सकते। अगर सपोज की कोई कमिटी है एनवायरमेंट के किसी बिल से रिलेटेड, जैसे फॉरेस्ट लॉ आया है अभी, फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, अब अगर आप एज अ मेंबर है वहां पे, आपको नॉमिनेट कर दिया जाए कमिटी में, बट आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उस सब्जेक्ट में, आपको समझ ही नहीं है, या आपको नॉमिनेट कर दिया जाए डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड किसी बिल की कमिटी पर, तो आपको समझ ही नहीं आती अगर वो चीज है, तो फिर आप क्या करेंगे उस कमिटी में बैठ के। ऑलराइट, तो इसलिए कंसेंट होना मेंबर का बहुत जरूरी है। ठीक है, द नंबर ऑफ मेंबर इज नॉट फिक्स्ड, इफ इट इज ए ज्वाइंट कमिटी तो राज्यसभा के अलावा लोकसभा से भी मेंबर आएंगे और रेशियो होगा 1:2। ओके, चेयरमैन जो होगा इस कमेटी का वो अपॉइंट करेगा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के यानी कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट, वही अपॉइंट करेंगे इस कमेटी का चेयरमैन और उसी कमेटी में जो मेंबर बैठे हैं उन्हीं में से किसी एक को। ओके, द मेंबर और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द बिल इज जनरली इंक्लूडेड मेंबर, यानी कि अगर प्राइवेट मेंबर बिल है तो जिस मेंबर ने वो बिल प्रपोज किया है उसको तो उस कमेटी का मेंबर बनाना ही बनाना है। अगर सरकार का बिल है, सरकार के जिस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया वो बिल, उसको भी उसका मेंबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, मीटिंग के लिए कोरम होना चाहिए 1/3, लाइक अगर 30 मेंबर्स की कमेटी है तो कम से कम 10 लोगों को प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वोट की इक्वल वोट पड़ रहे हैं किसी फेवर में, कमेटी भी अपना डिसीजन वोटिंग से ही लेगी। ठीक है, तो अगर वहां पर वोटिंग बराबर हो रही है तो उसमें चेयरमैन जो होगा उसको एक कास्टिंग वोट दिया जाएगा कि आप सेकेंड टाइम भी वोट कर सकते हो डिसाइड करने के लिए। और ये सेट कमेटी अपने अंडर में सब कमिटीज भी अपॉइंट कर सकती है। यही कुछ माइन्यूट पॉइंट्स हैं जो लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ मिलेंगे और यही यूपीएससी पिक करता है अपने एग्जाम में। ओके, एंड एनी मेंबर कैन रिकॉर्डेड डिसेंट नोट एज वेल, क्लॉज बाय क्लॉज एनालाइज करेंगी कमिटीज को, बिल को, एंड ये जो भी रिकमेंडेशन देंगी वो सिर्फ रिकमेंडेशन ही होंगे, वो बाइंडिंग नहीं होंगे कि उसको मानना ही मानना है। हाउस चाहे तो इग्नोर कर सकता है इनके रिकमेंडेशन। ओके, दे आर जस्ट सजेशन, नॉट बाइंडिंग। इसके बाद रशिया टू लॉन्च फर्स्ट मून लैंडर सिंस 1976, ऑलमोस्ट 40 साल बाद अभी जागा है, ऑलमोस्ट 47 ईयर्स बाद, कि हमें भी मून की जो फार साउथ साइड है मतलब साउथ पोल वहां पर लैंड करना है, क्योंकि वहां पर देर इज पोटेंशियल ऑफ सोर्स ऑफ वाटर टू सपोर्ट फ्यूचर ह्यूमन प्रेजेंस। ओके, तो ये भी अब लॉन्च करना चाहते हैं हमारे चंद्रयान मिशन की तरह ही। बाकी इमरान खान को 5 साल तक अब इलेक्शन लड़ने से बाहर कर दिया वहां पे इलेक्शन कमीशन ने, बहुत बुरी बात है जो कि। और इसके बाद यहाँ पे ये कुछ नई ब्रीड की काउस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे मीथेन एमिशन कम होगा। ओके, लाइव स्टॉक इज अ मेजर सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन इन द वर्ल्ड। बस दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छा, बिफोर साइनिंग ऑफ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कल मैंने आपको इंडो फ्रांस रिलेशन कराया है, प्लीज आप उसको इसलिए जरूर देखिएगा। मैंने वैसे मैं आपको बोलता नहीं हूँ कि आप वीडियो देखिए देखिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, जब मेंस दोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, बट ये जरूर देख लेना इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड कैसे हम लोग ये जो करेंट अफेयर में न्यूज आती है इनके नोट्स बनाने चाहिए हमें। ओके, इसको प्लीज देखिएगा इस लेक्चर को, क्योंकि हमने इस पूरे लेक्चर में वही सब पॉइंट यूज करें जो न्यूज़पेपर से आ रहे थे पिछले 1-2 हफ्ते से। क्लियर, तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव अ ग्रेट डे।